हाँ देखिए, जब आपका इंस्टॉल हो जाए मशीन, यानी कि प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा सारा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थर्ड नंबर दिख रहा है कैलिब्रेट, इसको कीपैड के यूज करके थर्ड नंबर प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर पंप का कैलिब्रेशन आएगा। तो टू नंबर आप, इसमें दो चीज़ें हैं, फैक्टर है और पहले पंप का कैलिब्रेशन करना है, तो आपको पंप का कैलिब्रेशन टू नंबर प्रेस कीजिए। टू नंबर आपको 5 ml, या आपको क्या करना है यहाँ पर, जब जब रिएजेंट यहाँ से जब पास होगा रिएजेंट इस बॉटल से, मोटर के थ्रू आपका यहाँ पर आएगा, टाइट्रेशन बॉटल में आएगा। टाइट्रेशन बॉटल में आप देखिए इस पाइप के थ्रू आएगा, ये यहाँ पे आउटलेट के थ्रू आएगा। तो क्या करना है कि जब यहाँ तक आ जाए, जब ड्रॉप गिरने लगे, तो आपको क्या करना है, उसको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, कोई भी 5 ml, 10 ml, 50 ml का, वैसे छोटा ही लेना, 10 ml का ले लेना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ इसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है, ठीक है, जब यहाँ तक ड्रॉप आ जाए गिरने लगे इसमें, तो आपको यहाँ पर अभी ये खाली होना चाहिए मेजरिंग सिलेंडर। और आप देखिए लेवल दिखाई दे रहा है आपको 5 ml, जब आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए प्रेस एंटर कीजिए यहाँ से कीपैड के थ्रू। जब एंटर प्रेस हो जाए करने के बाद, ये जब 5 ml यहाँ पे अब फील हो जाए, यहाँ पे रिएजेंट फील हो जाए 5 ml, फिर आपको क्या करना है, प्रेस एंटर करना है, यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एंटर कीजिए, तो आपको प्रेस एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे, आपको क्या कैलिब्रेशन डन दिख देगा, यानी कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद करना, जब कैलिब्रेशन डन हो जाए, फिर आपको क्या करना है, स्केप करके बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको 2 नंबर प्रेस कर देना है, और इस पाइप को जो आपने मेजरिंग स्टैंडर्ड में डाला था, फिर आपको इसी में वापस डाल देना है। और ड्राई मेथनॉल में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, तो इसको क्या करना है, रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रल की प्रेस कर देना है। न्यूट्रल की प्रेस कर दीजिएगा, न्यूट्रल की प्रेस करने के बाद जो भी इसके अंदर रिएजेंट आएगा, और जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, जब मॉइस्चर कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपके एक बीप आएगा, यानी कि इसका कलर भी चेंज हो गया, ड्राई मेथनॉल का हो जाएगा, और यहाँ पे एक बीप आएगा। उसके बाद आपको इस तरह दिख रहा है, न्यूट्रल कंप्लीट दिखेगा, और जो भी ml यूज हुआ वो आपका आ जाएगा। फिर इसको आपको स्केप करना है, फिर आपको जब ये आप इसमें से मॉइस्चर सारा कंप्लीट हो जाए, फिर आपको थर्ड नंबर प्रेस करना है। थर्ड नंबर प्रेस कीजिए, यहाँ पे कैलिब्रेशन फैक्टर निकालने के लिए थर्ड नंबर प्रेस करेंगे, फिर 1 नंबर में फैक्टर टाइटल, यानी फैक्टर निकालना, तो 1 नंबर प्रेस करेंगे। 1 नंबर प्रेस करने के, यानी आप कोई भी माइक्रो पीपेट ले लीजिए, ये माइक्रो पीपेट 25 माइक्रो लीटर का एक पीपेट ले लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट में वही बोल रहा है कि आपको H2O 25 माइक्रो लीटर लेना है, तो 25 माइक्रो लीटर ले लीजिए। और फिर एक नंबर प्रेस करिए यहाँ पे, प्रेस करने के बाद आपको टाइम मांगेगा, कोई बात नहीं, इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद 25 माइक्रो डिस्टिल्ड वाटर बोल रहा है क्या, फिल करने के बाद प्रेस एंटर करना है, तो आप इसको बॉटल के इसको निकाल के इसमें 25 माइक्रो लीटर फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद थोड़ा टाइम के बाद ये आपका इसमें मॉइस्चर आ जाने के बाद वो थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, और फिर आपका रिएजेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये स्टार्ट कर देंगे इस तरह। और उसके बाद क्या होगा, जब मॉइस्चर फ्री हो जाएगा, फिर आपको क्या ऑटोमेटिक ये आपको यहाँ से मॉइस्चर फ्री होने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक ऐसे बीप आएगा। बीप होने के बाद आपको कलर भी चेंज होगा यहाँ पे, यानी मॉइस्चर फ्री। और आपको 3 ऑप्शंस आएगा, 3 ऑप्शंस में आपको आएगा कि आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो नहीं मुझे क्या फैक्टर निकालना है, तो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी है फैक्टर आपका आ जाएगा। जब फैक्टर निकल जाए, फिर आपको एनालिसिस करना है, रिजल्ट चेक करना है, तो एक नंबर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड है, जो भी आप सैंपल ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे सॉलिड ले रहा हूँ, तो सॉलिड लेना है, उसका मेजरमेंट कर लेना है ग्राम में मेजरमेंट करने के बाद फिल कर देना है। जो भी आपने मेजरमेंट लिए वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो भी आपने लिया है वो फिल करने के बाद कुछ भी आपने लिया है उसको फिल करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद टाइम है कोई नहीं, आपको एंटर ही करना है। ब्लैंक वॉल्यूम आपको 01 का रखना है, 01 का रखना है, फिर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको बोला कि प्रेस एंटर, तो फिर आपको इसको एंटर कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये आपको फिर केप रिएजेंट इसके अंदर टाइटल पोर्टल के अंदर आने लगेगा। ये देखिए अभी चलना स्टार्ट होगा, जैसे ही इसके अंदर मॉइस्चर फ्री हो जाएगा सैंपल का, वो आपका फिर से थोड़ा टाइम के बाद बीप आएगा, और बीप आने के बाद आपको क्या होगा कि इस तरह आपका डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कितना आपका केएफ यूज हुआ, कितना आपका परसेंटेज में,
फिर आपका इस तरह डिस्प्ले भी शो करेगा कितना केफ यूज हुआ है, परसेंटेज में क्या आपका रीडिंग आया, पीपीएम में क्या है, एच2 में, इस तरह आप इसको कैलकुलेट करना।